दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत देके जिताया और सब लोग मानते हैं कि दिल्ली के गरीबों ने खूब जम के आम आदमी पार्टी को वोट दिया। तो आम आदमी पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि गरीबों को उनका हक दिलवाए। उसमें सबसे बड़ी बात है खाने पीने की, रोटी की। सरकार गरीबों को सस्ता राशन देती है, लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि वो राशन कहीं ना कहीं रास्ते में काफी हद तक चोरी हो जाता है, उन तक पहुंचता नहीं है। अभी तक हम सुना करते थे, हमें पता है कि राशन वाले बहुत सारे राशन कार्ड अपने पास रख लिया करते थे। एक आदमी राशन के लिए अप्लाई करता है राशन कार्ड के लिए, लेकिन उसे पता भी नहीं चलता मेरा राशन कार्ड बन गया नहीं बन गया, दफ्तर के चक्कर काटता रहता है। राशन दफ्तर के लोग उसे बताते नहीं है, और वो राशन का राशन बांटने वाले के पास, राशन दुकान वाले के पास ढेर सारे राशन कार्ड रहते हैं और उनका सबका राशन हर महीने निकलवाता रहता है। तो आज ये जो ई राशन कार्ड शुरू किया गया है, ये इस एक समस्या का समाधान देता है कि अगर आपने राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया तो आपके फोन के ऊपर SMS आ जाएगा कि आपका राशन कार्ड बन गया, और आप इंटरनेट पे जाके अपना राशन कार्ड का प्रिंटआउट ले सकते हैं। इसके लिए मैं फूड डिपार्टमेंट को, उनके सभी कर्मचारियों को, माननीय मंत्री महोदय असीम साहब को, फूड कमिश्नर दिल्ली के SS यादव साहब जो कि एक बहुत ही डायनेमिक ऑफिसर है, उनके साथ काम करके मजा आता है, उनको उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।